भारत माता की। जालोराना मतलब हम गुजरात वालों को लगता है अपने घर गए हैं। पार्टी का संगठन का काम करता था तब भी, और गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी, अनेक बार आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। कई परिवारों से भी मेरा परिचय रहा है। यहां सब नजर आ रहे हैं, आज मंच पर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे याद है जब यहां के परिवारों से गप मारते थे तो बोलते थे, वो एक कहावत सुनाते थे और बड़े गर्व के साथ कहते थे, आप फटे घर उल्टे, कटई बख्तरा कोर, शीश कटे धड़ लड़फड़े, जद छूटे जालोर। यानी चाहे आसमान फट जाए, धरती पलट जाए, सुरक्षा कवच फट जाए, शीश कटे, धड़ तड़पे, लेकिन जालोर नहीं छूटता। भाजपा और जालोर सिरोही का रिश्ता मुझे लगता है इतना ही निकट है। आपने हर बार भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो इस बार भी जालोर सिरोही यही कह रहा है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी है, उनको बराबर का सबक सिखाया है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकती। देश को ऐसी कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए, देश को 2014 के पहले जो हालात थे वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी, कैबिनेट से पास हुए अध्यादेश ये दो बेटे बेटी से मेरा निवेदन है, आप बैठिए, थक जाएंगे बेटा,
चुनाव में बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। आप कल्पना करिए कि कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया हो, देश की संवैधानिक संस्था ने जो निर्णय पास किया हो, उसको उनकी पार्टी के ही एक नेता भरे मीडिया की मीटिंग बुला करके बड़े रौब से उस अध्यादेश को फाड़ के फेंक देते हैं। क्या ऐसी दुर्बल अवस्था देश को मजबूत बना सकती है क्या? आप मुझे बताइए, अस्थिरता की प्रतीक कांग्रेस पार्टी और उनका कुनबा देश को चला सकता है क्या? साथियों, आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, उसकी गुनहगार वो खुद है। अब देखिए, आपके यहां से राज्यसभा में कांग्रेस के एक नेता दक्षिण के हैं, उनको भेजा, क्या कभी उन्होंने राजस्थान के लिए एक भी बार राजस्थान की बात कही है? नहीं कही। आपने बड़ी उदारता पूर्वक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सम्मान में उनको भी राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। ये ठीक है, वो काफी समय बीमार रहे, लेकिन क्या कभी राजस्थान में उनको फिर से देखा आपने? और अब उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है, और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत यह है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है, उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं।
इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां ये गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश सुपुर्द कर सकते हैं क्या? अरे आप अपने घर में गाड़ी हो ना तो भी किसी ऐरे गेरे के हाथ में नहीं दे सकते हो भाई, देते हो क्या? 50 बार सोचते हो यार ये कहां पहुंचाएगा? भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, मुझे भली भांति जानते हैं, मेरा बचपन जानते हैं, मैं भी आप भी की तरह एक सामान्य परिवार से आया। मैंने भी मेरे परिवार में देखा, न बिजली होती थी न पानी होता था, घर में रसोई का चूल्हा या धुएं से भर जाता था, बचपन ऐसे ही बिता करके आया हूं। लेकिन जब आज यहां पहुंचा हूं तो मेरे दिल में यही रहता है कि बचपन में जो कठिनाई मैं मेरी मां को भुगतते देखता था, मैं ऐसी कठिनाई मेरे देश की एक भी माता बहन को नहीं देखना चाहता। और इसलिए मैं आपके एक बेटे की तरह, मेरी माताएं बहनें आपके एक भाई की तरह, आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं। अभी तक राजस्थान के करीब 19 लाख गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। वो लोग पक्के घर में रहने चले गए हैं और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालौर और सिरोही में बने हैं। एक घर बनाना होता है तो कितनी तकलीफ होती है वो आप भी जानते हैं। अकेले इस इलाके में गरीबों के लिए मोदी ने 1 लाख पक्के घर बना करके दे दिए। इसलिए नहीं कि पैसे हैं इसलिए काम हो, दिल में एक दर्द पड़ा हुआ है, गरीब के लिए संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए मोदी ये काम करने के लिए लालायित रहता है। अच्छा आप एक मेरा काम करेंगे? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए सबके सब। देखिए चुनाव में आप घर घर मिलने के लिए जाते होंगे, चुनाव की चर्चाएं होती होगी, अब हमने इतने घर बनाए, नल से जल दिया, गैस का कनेक्शन दिया, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ जगह पे कुछ लोगों को घर मिलना बाकी हो, हो सकता है कुछ लोगों में पहले परिवार में एक साथ रहते थे अब अलग रहने लगे तो उसके पास घर नहीं है। तो मेरा एक काम करना, आपको ऐसे जो लोग ध्यान में आए कि जो इस योजना के हकदार है लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, मोदी की तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी तीसरी बार आएगा घर पक्का मिलेगा। कह देंगे। और आप मेरे बात पे भरोसा करना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप बोल करके आ जाइए,
मोदी इसको पूरा करेगा। और आप ये भी कह देना माताओं बहनों को, ये जो 3 करोड़ मैं नए घर बनाने वाला हूं ना, उनमें उनका नंबर लगेगा ही लगेगा। और उस परिवार की माताओं बहनों को कहना कि मोदी जो घर देगा ना, वो उस मां या उस बहन के नाम पर देगा, ये भी बता देना। साथियों, आयुष्मान भारत के तहत मिल रहे मुफ्त इलाज का फायदा भी पूरे देश में मिलता है। अब मोदी ने गारंटी दी है कि हर परिवार में जो बुजुर्ग है, उनको हर परिवार में, कोई भी बाकी नहीं, यहां बैठे हुए भी उनका भी हर परिवार, जिसके भी घर में 70 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, बुजुर्ग माता है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, फूफा है, जो भी हो, उनको कह देना अब दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है। सत्तर साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों के बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा, ये बता देना। और ये मोदी की गारंटी है। और ये गारंटी भी मैंने इसलिए दी क्योंकि एक बेटे के रूप में मां बाप की सेहत का ध्यान रखना वो जैसा आपका दायित्व है ना, मैं भी तो बुजुर्गों के लिए बेटा हूं, तो मेरा भी तो दायित्व है। शुरुआती इलाज के लिए आपको दूर न जाना पड़े, इसके लिए राजस्थान में 10,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। सिरोही में मेडिकल कॉलेज बनने से बहुत फायदा हुआ है। जालौर में भी मेडिकल कॉलेज बनकर के जल्द तैयार होगा। और मोदी का मिशन है आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने, अधिकतम जगह पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो, ताकि उस इलाके के लोगों को वो पढ़ाई के लिए मौका मिले। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आपसे बात करने आता हूं, ये बात सही है कि चुनाव है, मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं, और मुझे विश्वास है कि इतनी धूप में आप यहां आए हैं तो आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखोगे, मुझे पता है। और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। अब देखिए, कोरोना का इतना बड़ा महासंकट आया, एक तरफ हमने जीवन बचाने के लिए हर परिवार को मुफ्त टीका लगाया, तो दूसरी तरफ मुफ्त राशन की योजना लागू की, और आने वाले 5 वर्ष भी चलती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा सो न जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा गरीब परिवार को हुआ है। हमने एक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना बनाई, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे प्रवासी परिवारों को हुआ है, और हमारे राजस्थान में तो हर गांव से कोई न कोई बाहर रहता है। राशन कार्ड की समस्या रहती थी, वो यहां से बच्चा वहां चला जाए
माँ बाप यहां रहे तो कौन सा राशन कार्ड कहां चलेगा। अब मोदी ने बना दिया वन नेशन वन राशन कार्ड, वो जहां भी जाएगा उसको वहां से भी राशन मिलेगा, उसका परिवार यहां होगा तो उसको भी राशन मिलेगा। इससे परिवार का जो सदस्य गांव में है उसको भी फायदा मिल रहा है, और उसी कार्ड पर प्रवासी के लिए कामगारी के लिए कोई गया है तो उसको भी लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान मैं जब से यहां आना शुरू किया कोई भी ऐसा समय नहीं कि मैंने पानी के विषय में सुना न हो। अभी मैं बैठा तो हमारे उम्मीदवार महोदय तुरंत बोले, मोदी जी पानी मेरी पहली बड़ी काब है। और ये राजस्थान है, यहां तो पानी के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखा बंजारा की बात घर घर में पहुंची जाती है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजन लाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजन लाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था, और फिर कांग्रेस ने ऐसे लटकाए रखा, मोदी ने आकर के इसको पूरा किया। बताइए कितने साल हो गए, और मुझे उपवास पर बैठना पड़ा था। मैं मुख्यमंत्री था, मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार के सामने नर्मदा बांध को लेकर के उपवास पर बैठना पड़ा था। क्यों? कि मुझे मेरे गुजरात को भी पानी देना था, मेरे राजस्थान को भी पानी देना था, और इसलिए मैंने उपवास किए थे। और तब मैंने वहां एक सुजलाम सुफलाम योजना बनाई थी। कोशिश यही थी कि कड़ाना बांध से पानी किसान के खेतों तक पहुंचे। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से आज नर्मदा का पानी बाड़मेर और जालौर जिले के भी 1,500 से अधिक गांवों तक पहुंचा है। फर्क देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का फर्क है। हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो अड़ोस पड़ोस में पानी के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं और पानी समंदर में जाता है। राजस्थान में पानी पहुंचा क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार थी।
राजस्थान को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, राजस्थान को कोई आवेदन पत्र देने के लिए गांधीनगर नहीं आना पड़ा। मैं अपना कर्तव्य मानता था, अगर प्यास पानी की जरूरत गुजरात को है तो राजस्थान भी तो मेरा है, उसको भी तो पानी मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री था तब, मैं प्रधानमंत्री नहीं था, तब भी राजस्थान मुझे मेरा लगता था। और इसलिए जालौर बाड़मेर के किसानों को खेत में पानी पहुंचाया जी, लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। हम सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इस पर काम कर रहे हैं। और अगर भी मेरी यहां के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि अगर अब भी आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर आएंगे तो ये जो पानी है जितने परिवारों को मिलता है ना, उससे 1.5 गुना तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। आपके पड़ोस में बनासकांठा ने करके दिखाया है, ये आपके देवजी भाई को पूरा पता है, वहां पर पानी बचा करके पानी पहुंचाया है, यहां भी पहुंचाया जा सकता है। और इससे यहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में जीरा, सौंफ, इसबगोल जैसी अनेक कैश क्रॉप की पैदावार और बड़ी मात्रा में हो सकती है। साथियों, कांग्रेस ने तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और यमुना के पानी को पहुंचाने में भी अड़चनें पैदा की। ये भाजपा ही है जिसने इसके लिए, समाधान के लिए प्रयास किया। हरियाणा में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, हमारे भजन लाल जी बराबर मैदान में उतर गए, मामला निपटा दिया, काम आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रत्याशी आदरणीय लुम्बाराम जी तपस्वी कार्यकर्ता है, जीवन खपा देने वाले कार्यकर्ता है, और पानी की समस्या की इतनी बारीकियों को जानते हैं वो, और उनके समाधान के लिए वो समर्पित है। और अब मेरी खुशी है कि हमारे भजन लाल जी भी ऐसे ही कर्मठ मुख्यमंत्री हमें राजस्थान को मिले हैं, तो इन सारे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने कमर कस के काम शुरू कर दिया। साथियों, इस क्षेत्र में खेती किसानों को मुनाफेदार बनाना मोदी का लक्ष्य है। मोदी ने छोटे किसानों के मोटे अनाज यानी श्री अन्न को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया है। हमारा बाजरा अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भोजन पे थाली में बाजरा मेरा राजस्थान का परोस के देखा है। सारी दुनिया में मैं समझाता हूं ये मेरा सुपर फूड है। ये हमारे छोटे छोटे किसानों ने कम पानी की लागत से बनाया हुआ, ये पैदा किया हुआ फसल, जो मोटा अनाज, जो अब श्री अन्न है, मैं दुनिया में पहुंचा करके रहने वाला हूं। और इसका फायदा भी ये मेरे छोटे छोटे किसानों को होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी जालौर और सिरोही जिले के किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये क्षेत्र गौ माता की जय करने वाला क्षेत्र है। मोदी ने गौ माता को, हमारे पशुधन को मुफ्त टीकाकरण करने की गारंटी दी है। भाजपा सरकार ने खुरपका मुंहपका बीमारी को खत्म करने के लिए अकेले राजस्थान में करीब 1 करोड़ पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया है। यहां जालौर में भी 1.5 लाख और सिरोही में करीब 80,000 पशुओं को टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा हम गोबरधन, बायोगैस और जैविक खाद के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो गोपालकों को और समृद्ध करेगा। भाइयों और बहनों, जालौर सिरोही का ये पूरा क्षेत्र अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब देखिए, हमारे पास माउंट आबू है, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं, ऋषियों और मनीषियों की तपोस्थली है, यहां नौजवानों को पर्यटन सेक्टर में रोजगार, स्वरोजगार की अनेक संभावनाएं हैं।
अंबाजी में जो सुविधाएं तैयार हो रही है उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने जा रहा है। पर्यटन को अच्छी कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एक क्षेत्र तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, इससे यहां के ग्रेनाइट उद्योग को बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, 10 सालों में आपके आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम पूरे हुए हैं, लेकिन इतना सारा मैं कह सकता हूं, घंटों तक कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तो क्या कहता हूं, ये जो किया है ना, बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें राजस्थान के विकास को, देश के विकास को नई बुलंदी देनी है, बहुत कुछ करना है, और ये संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है, विकसित भारत विकसित राजस्थान बनाना है। इस काम में हमें आपका साथ चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। 26 अप्रैल है मतदान का दिवस। 26 अप्रैल को लुम्बाराम जी को कमल के निशान वाले बटन को दबाकर संसद में मेरे साथ बैठने के लिए भेजना है, और आप देखिए मेरा नाता ऐसा है कि आप लुम्बाराम जी को एक वोट देंगे, जैसा ही कमल पर बटन पर आपकी उंगली दबेगी, सीधा सीधा वो मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। यानी लुम्बाराम जी को वोट मतलब मोदी को मजबूत बनाने की गारंटी, और ये गारंटी देश के मतदाताओं की है, आपकी गारंटी है। आपके एक एक वोट से मोदी की ताकत बढ़ेगी, आपके एक एक वोट से मोदी को काम तेज करने की ताकत मिलेगी, आपके एक एक वोट से मोदी को देश को विकसित बनाना और राजस्थान को विकसित बनाने का काम करने में और अधिक आसानी होगी। और इसलिए मैं आज आपके पास सिर्फ लुम्बाराम जी के लिए वोट मांग रहा हूं, ऐसा नहीं है, आज मैं मेरे लिए भी आपसे वोट मांगने आया। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, करोगे? करोगे? ऐसा नहीं, करना पड़ेगा, करोगे? देखिए, इसके लिए एक भी मतदाता ऐसा न हो जिसके पास मेरी बात लेकर आप पहुंचे नहीं हो। गएंगे, जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, उनको बताएंगे मोदी को वोट देना है, बताएंगे। दूसरा काम, हम जालौर लोकसभा तो जीतेंगे, हम देश भी जीत जाएंगे, लेकिन मुझे बताइए कि मेरा कोई कार्यकर्ता पोलिंग बूथ हार जाए तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? अगर हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के मन में रहना चाहिए, हमारे पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। हर पोलिंग बूथ जीतना है, हर पोलिंग बूथ जीतने के लिए मुझे विशेष रूप से माताओं बहनों के आशीर्वाद चाहिए, फर्स्ट टाइम वोटर के आशीर्वाद चाहिए। और मेरा एक तीसरा काम है, जिस दिन मतदान होना, एक तो जलपान से पहले मतदान, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी तेज है, सुबह सुबह जितना ज्यादा मतदान हो जाए अच्छा है। तुम जलपान से पहले मतदान करोगे?
सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे। दूसरा एक काम, कभी कभी क्या करते हैं, हम चाहते हैं किसी काम के लिए जाते हैं, कहीं रास्ते में खड़े वोट देकर के निकल गए, ऐसा नहीं। ये लोकतंत्र का उत्सव है। जैसे परिवार में कोई अवसर होता तो कैसे एक ताम धूम से निकलते हैं। मैं तो पूरे राजस्थान से प्रार्थना करूंगा, पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते, लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। जाओगे? अरे गाजे बाजे के जाना जाना चाहिए। हम देश की सरकार बनाने जा रहे हैं, मामूली काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये गर्व होना चाहिए। जब इसको गर्व में पलट देंगे तो गर्मी कितनी ही क्यों ना हो, मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तोड़ेंगे पुराने सारे रिकॉर्ड, तोड़ेंगे। अच्छा मेरा एक काम करोगे, ये मेरा पर्सनल काम है, ये भाजपा का काम नहीं, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ऐसे ढीले पड़ गए आप, करोगे? करोगे? एक काम करना, घर घर जाना और कहना मोदी जी जालौर आए थे और मोदी जी ने राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? देखिए इसमें मेरा स्वार्थ है, इसमें मेरा स्वार्थ है। बता दूं मेरा स्वार्थ क्या है? बता दूं, मेरा स्वार्थ यह है कि जब आप हर परिवार में राम राम कहेंगे ना, तो सब बड़े बुजुर्ग माताएं मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब बिना स्वार्थ के इतने पवित्र भाव से हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो वो आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है, मेरे लिए नई ताकत बन जाता है, और फिर मुझे आपके लिए दौड़ने का मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। इसलिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा राम राम पहुंचाएंगे? पक्का पहुंचाएंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।